हाय। सो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अपने पंजाब के दोस्तों के लिए कि मैं आदेश के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। सो देखिए, आदेश वैसे एक यूनिवर्सिटी भी है, जो बठिंडा के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि वो बाकी सब कोर्सेज कराते हैं, बी टेक, BBA, लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो आदेश मेडिकल कॉलेज है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ना के हरियाणा, सॉरी पंजाब स्टेट प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही आता है। सिमिलरली लाइक SGT, जो खुद भी एक यूनिवर्सिटी है, या शारदा, वो भी एक यूनिवर्सिटी है, सुभारती, वो भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो उनकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन्होंने इसको डीम्ड में ना मान के, अप्लाई ना करके, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किया हुआ है। तो सुभारती और शारदा UP के स्टेट प्राइवेट कॉलेज के थ्रू एडमिशन करते हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। SGT वाले हरियाणा स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं। फर्क बस यही हो जाता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंडर है तो आप किसकी डिग्री दे रहे हैं। तो जैसे SGT पंडित BD शर्मा की डिग्री ना देके SGT यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है और उसी हिसाब से अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करता है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो BD शर्मा के अंडर आते हैं, उनका उस तरह से किया जाता है। सो ये आदेश जो अपनी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, आदेश मेडिकल कॉलेज उनके साथ है, लेकिन जो उसकी एडमिशन है, जो सब कुछ है, वो प्योर पंजाब के लिए है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। क्लियर? बठिंडा में बहुत पुराना कॉलेज है, 650 बेड का हॉस्पिटल है इसके पास, तो वैसे कोई समस्या नहीं है। बट क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से आता था, जैसे SGT का, देखिए हरियाणा में भी चार प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो बाकी सबकी फीस सरकार ने कंट्रोल कर रखी थी। 10 लाख थी वो लास्ट ईयर, फिर इन्होंने बीच में 12 लाख कर दी थी, फिर लोगों ने केस कर दिया लास्ट ईयर के लिए, बट उम्मीद है कि इस साल तो 12 लाख हो ही जाएगी। सॉरी मैं बार बार भटक रहा हूँ समझाने के लिए, पर SGT फीस 18 लाख लेता है। सिमिलरली पंजाब में जितने बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके उनको मैनेजमेंट स्टेट कोटा सीट देनी पड़ती है 3.5 लाख में, और बाकी फीस 9.5 लाख में। लेकिन आदेश इसको फॉलो नहीं करता, और उसने केसेस डाल रखे थे पहले, चल अब वो लगता है केस जीत गया है, और ऑफिशियली उन्होंने अपना ब्रोशर लॉन्च कर दिया है जिसमें बहुत क्लियरली फीस लिख दी है। पहले साल की फीस 11,90,000 ट्यूशन फी होगी, फिर 13 लाख, थर्ड ईयर में 14,40,000, फोर्थ ईयर में 15,83,000, और फिफ्थ ईयर में आधी फीस 8,71,000। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ सो नाना करके भी ये फीस 43, 44, 54, कुछ 63 लाख के आसपास आती है ट्यूशन फी वगैरह। बट इसके अलावा 1,85,000 हॉस्टल और मेस, इसके अलावा 60,000 रुपये हर साल डेवलपमेंट चार्जेस। अब इन सबको जोड़ो तो आप ढाई ढाई ढाई, और ये डेवलपमेंट चार्जेस एक्चुअली फिक्स है, ये मतलब फिफ्थ ईयर में भी पूरे ही देने हैं, तो आप लगा लीजिए कि तकरीबन कुछ 11.5 लाख रुपये और ऐड हो जाते हैं। तो सबको मिला के जो उसका पैकेज है वो 76 से 77 लाख पहुँचेगा, तो विच इज़ प्रीटी हैवी। मतलब जो टिपिकल एक पंजाब को हम मान के चलते हैं, पंजाब वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो मैं पहले भी बोल चुका था कि इस पैकेज पे है, बजट पे आप देख सकते हो कि आपको यहीं पढ़ना है कि बाहर भी जाना है। ऑफकोर्स आदेश BDS भी कराता है, BDS में तो पंजाब में बहुत प्राइवेट कॉलेजेस है। तो 150 MBBS सीट में आदेश के पास 27 NRI सीटें भी हैं, जैसा कि पंजाब के काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में, इवन सरकारी कॉलेजेस में भी है। और NRI के एडमिशन स्टैंडर्ड है, जो पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उसी के लिए एक सेपरेट फॉर्म है जो वेबसाइट पर डला हुआ है, उसको आप भरेंगे। अगर आप NRI एलिजिबल है, पंजाब NRI स्पॉन्सर्ड को नहीं मानता है, वो जेनुअन NRI को ही मानता है। तो बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स में NRI होने चाहिए, वो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है कि चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, उनको स्पॉन्सर को पंजाब NRI में कंसीडर नहीं करता, वो उसी को मानता है कि पेरेंट्स NRI होने चाहिए, या बच्चा इसलिए खुद NRI हो और उसने 11th 12th बाहर से करी हो। ओपन है, अगर उसे पंजाब के NRI पूरे नहीं मिलते तो वो बाहर के NRI को भी वो सीट मिल सकती है, सरकारी में भी एज वेल एज आदेश की भी, जो सीटें हैं 23। और अगर ये सीटें नहीं भरती है पहले दो राउंड में, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल मैनेजमेंट सीट में, जिसका फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको भी बताया। जो लोग NRI के थ्रू आना चाहते हैं, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो शायद 1,30,000 US डॉलर था, वन टाइम पेमेंट, विच मीन्स ये आराम से आपका 1,25,000 डॉलर। तो आप मान के चलिए US का जो फिलहाल रेट चल रहा है 74 रुपये, तो रफली स्पीकिंग ये आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाओगे अगर आप इसकी NRI सीट लेते हैं, राइट। इसके अलावा आदेश भी बैंक गारंटी भी मांगता है, तो जब आप फर्स्ट एडमिशन लेते हैं तो बाकी 4 साल की लेंगे, फिर सेकेंड ईयर में चले गए तो बाकी 3 साल की देंगे। मतलब यू कैन चेंज योर बैंक गारंटी,
लेकिन लाइक मैन ऑल अदर प्राइवेट कॉलेजेस बैंक गारंटी मांगता है। और फिर से मैं बता दूं कि जब भी आप कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हैं और आप बीच में छोड़ते हैं, तो आपको इंडिया में तकरीबन हर एक कॉलेज में आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी भैया अब थर्ड ईयर में तो हम फ्रेश एडमिशन ले नहीं सकते हैं। और हमें समझना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में जो जिसने बनाए हैं वो एक कमर्शियल वेंचर है, राइट? तो वो ये लॉस को क्यों बर्दाश्त करें, वो भी इतना मोटा लॉस। बाकी जितने कोर्सेज होते हैं उसमें क्या 80-90 हज़ार रुपये फीस होती है, तो आप चली भी जाए तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी फीस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आदेश, और बेस्ट ऑफ लक आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन इस बार क्लियर हो ही गया कि ये जितनी भी सीटें ये भी पंजाब वालों के लिए ही हैं, और फिर जो मैंने बताया कि 100 सीटें बढ़ गई हैं सरकारी में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आदेशी कट ऑफ काफ़ी लो चली जाएगी और पंजाब में रहने वाले शायद मोस्ट कैंडिडेट्स को कोई ना कोई ऑप्शन तो मिली जाएगी, इंक्लूडिंग आदेश। मेरा दिल कह रहा है कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकती है लुकिंग एट एवरीथिंग एल्स, अगर आदेश ही चाहिए तो। मोस्ट पीपल आदेश को लास्ट ऑप्शन ही रखते हैं। धन्यवाद।